जनाब भाई हाजिर है आपके काम की एक और वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन में ही अपना लोगो कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, अपने फोन में ही, फिर चाहे वो लोगो आपका कुकिंग चैनल का हो, आपके गेम चैनल का हो, आपके व्लॉगिंग के लिए हो, आपकी ब्ला चैनल के लिए हो, कुछ भी हो, आप अपना लोगो बनाएंगे अपने ही फोन में, और वो भी खुद अपने फोन में। क्योंकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, तो जाहिर सी बात अभी आपको पैसे भी नहीं लगाने किसी से लोगो बनवाने के लिए, तो इससे बेहतर यही है कि आप अपना लोगो खुद अपने फोन में बनाएं। उसके बाद जब आपको अपने काम की समझ आना शुरू हो जाएगी, तो आप अपना लोगो किसी से भी बनवा सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं जब आपको काम आ जाएगा। तो जनाब मजीद टाइम ज़ाया नहीं करते और आज का वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन में। इसका नाम है जी कैनवा, CANVA। इसका एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने फ़ोन पे YouTube का थंबनेल कैसे बना सकते हैं। वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप इसी एप्लीकेशन में अपने लोगोज भी बना सकते हैं। लोगोज क्या, आप अपनी कोई सी भी पोस्ट शेयर करनी हो, हज़ारों टेम्पलेट्स आपके पास पड़ी हुई हैं, यहाँ तक कि एनिमेटेड टेम्पलेट्स भी आपके पास इस एप्लीकेशन में पड़ी हुई हैं। आपको बस क्या करना है, एडिट करना है, अपना कोई भी कलर जाके थीम देना और अपलोड कर देना है। अच्छा जी, ये वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाके आपको डाउनलोड कर लेनी है। लिखना क्या है आपको, CANVA, सर्च करें इसे और डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपका इंटरनेट ऑन होना ज़रूरी है, ठीक है। इंटरनेट जब आपका ऑन होगा तो आप इसे क्लिक करें, ओपन कर लें इस एप्लीकेशन को। फिर ये साइन इन मांगेगा, साइन इन आप कर लें इसे जीमेल से या फेसबुक से, किसी से भी। उसके बाद इसने आपको वेलकम करना है और आपको हज़ारों टेम्पलेट्स दे देनी है। तो फिर जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको स्टोरीज भी दे देगा, पोस्टर्स भी दे देगा, फेसबुक पोस्ट भी दे देगा, सोशल मीडिया के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इसके पास टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है लोगो हम फ़ोन में कैसे बनाएं, तो मैं आपको वो पहले बताऊंगा। अगर आपको एनिमेटेड लोगो चाहिए, एनिमेटेड मतलब वीडियो के लिए, वीडियो के बीच में आ जाए टिंग टुंग टुंग ऐसे करता हुआ, ठीक है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा नीचे, और ये देखें जी एनिमेटेड लोगो, इसके ऊपर क्लिक कर लें। सी आल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके पास जो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं इसने ओपन करके दे देनी है। फ़र्ज करें जी मेरा कोई चैनल है जिसका नाम है जी खीजर गेम, तो मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे एडिट करने का ऑप्शन दे देता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ खलीफा मैंने क्लिक कर लिया, और जब आप नीचे वाले टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो ये आपको एडिट का ऑप्शन देगा, आप इसे एडिट कर लें और देसी गेम, ठीक है जी। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से पकड़ें इसके मुंह से और इसे बड़ा कर लें, ठीक है। साइज़ अगर आप इसे करना चाहते हैं तो यहाँ से पकड़ लें इस पॉइंट से, ठीक है, और इसे ऊपर नीचे जहाँ पे भी आप इसे करना चाहते हैं कर लें। इसका अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें आप, यहाँ से इसका फॉन्ट आप कोई सा भी रख सकते हैं। मैं फर्ज करें ये रख लेता हूँ, ये ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। और मैं इसको कलर भी अगर मैं इसका चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसका चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसका कलर मैं यही रहने दूंगा। मैं इस लोगो का कलर चेंज करूँगा, तो मैंने इसका कलर यहाँ पे जब इसे सिलेक्ट करूँगा जो पिंक वाला था, ठीक है। अगर आपको वो कलर नहीं चाहिए तो आप इसे अनडू करें। यहाँ से मैं इसका कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, रेड इज़ आई थिंक ओके, और जी इसे डन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब अगर आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करें यहाँ पे, और ये देखें जी ग्रेडियंट है, इसको कम ज़्यादा कर दें, ज़्यादा कर दें, पोजीशन इसकी यही रहने देते हैं। पोजीशन भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं बाय द वे, ये देखें, ठीक है। मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे कर देता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, पीछे वाले बैकग्राउंड को फिर मैंने क्लिक किया, मैंने इसका कलर ये वाला सिलेक्ट कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका भी अगर आपने कलर चेंज करना है या रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, वो आपकी मर्ज़ी, को मैं ख़त्म ही कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये देखें जनाब, मेरा एनिमेटेड लोगो मुझे मिल गया एक एप्लीकेशन से। मैंने आपको बताया कि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जिनके पास शुरू में वो लोग नहीं बना सकते या किसी को पैसे नहीं दे सकते, वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें और अपना लोगो एनिमेटेड लोगो ले लें। ये मैंने जल्दी में किया क्योंकि मैंने आपको और भी एग्जांपल्स देनी है, ठीक है। आप अपना लोगो तसल्ली से, सुकून से एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें और उसके ऊपर अपनी मर्जी से कलर जो भी आपको चाहिए, बैकग्राउंड में जो भी चाहिए आप, वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। लोगो कंप्लीट होने के बाद आप इसे पब्लिश वाला बटन दबा दें, पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ पे वीडियो सेव करने हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप सेव एज कर दें और
वीडियो यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लें। ये 2 से 4 मिनट लेगा और आपका वीडियो आपकी गैलरी में सेव कर देगा। अगर आपके पास आईफोन है तो आप सेव वीडियो पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, अब आपका लोगो मुकम्मल होने के बाद आपने इस होम वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये वापस आपको होम पेज पे ले आएगा, जहाँ पे आपके पास बेशुमार से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अच्छा जी, एक लोगो मैंने आपको दिखाया एनिमेटेड, जो वीडियो वाला लोगो था, ठीक है। अब मैं आपको कोई ऐसा लोगो दिखाता हूँ जिसमें आप सिर्फ एक इमेज हो, ठीक है, एक तस्वीर हो लोगो। आपने क्या करना है, सिंपली ये होम पेज पर जो आपको लोगो वाला ऑप्शन नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो ये जितनी भी इस एप्लीकेशन में लोगो की टेम्पलेट्स हैं तो ये एप्लीकेशन वो पेज आपको ओपन करके दे देगी। अच्छा, फर्ज करें जी मैं आपको कोई ब्यूटी के रिलेटेड आपको कोई लोगो यहाँ पे बना के देता हूँ। तो ये देखें जी, ये वाला एक टेम्पलेट है, फ्री है। मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लूँगा या किसी का भी नाम लिख लूँगा, या आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं अपना। जब मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, टैब क्लिक किया, तो ये देखें जी एडिट वाला ऑप्शन, मैंने एडिट किया जी। टाइप कर देता हूँ ब्यूटी। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी नाम रख सकते हैं, ये मैं आपको सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ, ओके। क्या अब नीचे वाले टैक्स को, क्या हम नीचे वाले टैक्स को ये एक टैग लाइन ब्यूटी इज यू कोई सी भी आप लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें तो इसे डिलीट कर दें बेशक। फॉन्ट अगर चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुझे इसकी फॉन्ट चेंज नहीं करनी, मैं इसको रहने देता हूँ, ओके पर ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका कलर चेंज करूँगा, बस कलर मुझे इसका रेड करना है, तो मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा फ्लावर के ऊपर, इसे आप फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आप इसे रखना चाहें। अगर इन पत्तों का कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इनको कर देता हूँ जी ग्रीन, ग्रीन और वाइट हो गया, इसको भी ग्रीन, जो इधर वाला था इसको हम वाइट करते हैं, और इस वाले को ये कलर सेलेक्ट किया और ग्रीन, ठीक है। अब फिर मुझे ब्यूटी मून ब्यूटी टिप्स है जो, इसका कलर भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से ग्रीन, ठीक है। ग्रीन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऑरेंज, ये वाला अच्छा लग रहा है। इसका कलर जी मैं चेंज कर देता हूँ, लाइट सा कर देते हैं। अब ये आपका लोगो बन चुका है, जो एक इमेज की शक्ल में, जो एक तस्वीर की शक्ल में, ठीक है। आपका लोगो फाइनल होने के बाद आप इसे पब्लिश का बटन दबाएं और सेव एज इमेज कर दें, तो ये कुछ सेकंड्स लेगा और आपका लोगो आपकी गैलरी में सेव कर देगा। गो बैक टू योर होम पेज, फिर से ये आपका होम पेज ओपन कर देगा और आप हजारों टेम्पलेट्स ये आपको फिर से ओपन करके दे देगा। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लोगो बनाएं। अगर सिर्फ आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोई लोगो चाहिए तो ये देखें नीचे जी ब्यूटी लोगोज, ठीक है। अगर आपको फैशन से रिलेटेड कोई लोगो चाहिए तो ये देखिए फैशन से रिलेटेड आ गए। अगर आपको YouTube थंबनेल्स, ये तो आपको मैंने बताया हुआ, आप पूरी वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर समझे जी आपने कोई तस्वीर बनाई है फूड की और आप उसको फूड को ना बड़ा प्रोफेशनली बना के आप अपलोड करना चाहते हैं Instagram पे, तो ये देखें फूड Instagram पोस्ट, यहाँ पे आप टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, इन टेम्पलेट्स को यूज़ करें, इन तस्वीरों की जगह अपनी तस्वीर रखें और जी अपलोड करें, तो आपकी तस्वीर जनाब बड़ी ज़बरदस्त लगेगी, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी सोशल मीडिया एनिमेटेड लोगोज, ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था, न्यूज़ से रिलेटेड है तो आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऐड से रिलेटेड भी आपके पास टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, टी शर्ट आपको कोई भी डिज़ाइन करनी है वो भी आपके पास टेम्पलेट पड़ी हुई हैं। यार गेमिंग वाले लोगोज, अगर गेमिंग वाले लोगोज आपको चाहिए तो ये देखें आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपको आइकन चाहिए किसी भी किस्म के, तो ये देखें सारे आइकन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई सब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एनिमेटेड योर स्टोरीज, इंस्टाग्राम पे जो आप स्टोरीज लगाते हैं यहाँ पे एनिमेटेड पड़ी हुई हैं, इन तस्वीरों की जगह आप अपनी तस्वीर लगाएं और एनिमेटेड आप अपलोड कर दें, ठीक है, कोई भी होगी यार। फूड ड्रिंक लोगोज, फूड के रिलेटेड जो लोगोज हैं वो ये पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक दफ़ा एप्लीकेशन ओपन करें, इसको सारा स्क्रॉल डाउन करें, ढूंढें कि इसमें क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा लोगो क्या चीज़ चाहिए और कैसे चाहिए, सारे के सारे आप इसमें एडिट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स फ्री की पड़ी हुई हैं, यूज़ करो यार। अच्छा जी, बर्थडे कार्ड, अगर आपने किसी को बर्थडे विश करना तो ये बर्थडे वाला पड़ा हुआ है इसमें। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो बिगनर्स के लिए थी, जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उन्हें लोगोज चाहिए और अभी वो लोगोज पे पैसे खर्च नहीं सकते, मैं तो आपको यही कहूँगा फिलहाल आप इनसे लोगोज बना लो, अपना गुजारा कर लो
5-6 महीने के बाद जब आप कुछ बनना शुरू हो गई, आपको कुछ समझ आना शुरू हो गई, तो आप अपने लोगोस खुद बना सकते हो। लेकिन कंप्यूटर पे बनाना है, इलस्ट्रेटर पे बनाना है, क्योंकि आप उस पर अपनी मर्जी की चीज़ बना सकोगे, क्रिएटिव चीज़ बना सकोगे, प्रोफेशनल चीज़ बना सकोगे। और अगर आपने खुद नहीं बनाना तो आप किसी से भी बनवा सकते हो। लेकिन शुरू के लिए इस एप्लीकेशन में से जो कुछ भी है निकाल लो अपने काम का, और मुझे बताएं ये वीडियो आपके काम आई है कि नहीं आई। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें। वीडियो ज्यादा पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तख लिया।